दिल्ली जीके टेस्ट में आपका स्वागत है। दिल्ली जीके टेस्ट का ये पार्ट 9 है। आपने अभी तक 8 पार्ट तक देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह का रोज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह का आइकन बगल में बन के आएगा, आप इसको भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है इस तरह से है, क्वेश्चन है कि टेलीविज़न सिग्नल्स, यानी कि आप जो टेलीविज़न जब देखते हैं तो टेलीविज़न सिग्नल जो है सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है? तो आंसर देने के लिए आपको पता है आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जाता है। आप सोचें, यदि आप आंसर दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आंसर तो हम देंगे ही। तो चलिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सही है, पृथ्वी की वक्रता जो है सो इसके लिए उत्तरदायी है। टेलीविज़न जो सिग्नल नहीं पकड़ता है एक निश्चित दूरी के बाद, तो इसके लिए। चलिए, दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दो नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 1984 में भोपाल में निम्न में से किस गैस का रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? आपको पता है जो भोपाल में जब 1984 में ये गैस कांड हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मारने का जो रीज़न था गैस रिसाव था, तो कौन सी गैस था? आपके सामने ऑप्शन इस तरह से 4 ऑप्शन देखिए आप। तो चलिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पे देखिएगा, ये है आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हुआ क्या था कि 3 दिसंबर 1984 को जो है सो मिथाइल आइसोसाइनेट की गैस की जो है सो भोपाल में रिसाव हो गई थी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि जो 2 रुपया का जो नोट आता है, आपको पता होगा 1 रुपया का भी आता है, 2 रुपया का भी आता है, तो 2 रुपये का जो नोट आता है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आपको आंसर बताना है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। आपको बता दें कि जो 1 रुपया का नोट आता है वो आता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और जितने भी क्वाइन यानी कि जितने भी सिक्के जो बनते हैं वो वित्त मंत्रालय के अंदर है, और 2 रुपया से ऊपर या 2 रुपया से जितने भी करेंसी नोट जो बनते हैं वो RBI के अंडर है, और इसका देख रेख ही करता है, यही इसका अलाउ करता है कितना नोट छापना है नहीं छापना है। चलिए, अगला क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, चेन्नई, कानपुर, वैशाली, दुर्गापुर। आंसर देखिए आपको पता है तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है वो कानपुर में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है आप इस तरह से देखिए कि प्याज का जो खाने जो भाग है वो किस भाग यानी कि क्या है, उसको भाग का नाम क्या है जो लोग प्याज का खाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, रूपांतरित तना जो है सो उसको हम लोग खाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो फल पक जाते हैं उसे दुर्गंध क्यों आते हैं? तो इसका क्या कारण है जो दुर्गंध आने की? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने इस तरह से है। तो चलिए, इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की वजह से पके फलों में क्या आती है? दुर्गंध आती है। और आपको बता दें कि एथिलीन जो है वो फलों को पकाने में सहायता करता है, और एथिलीन एक ऐसा है जो पुष्पों की जो संख्या, जो मादा की जो संख्या होती है पुष्पों में, उसको भी वृद्धि करता है। आपको बता दें कि एथिलीन एक ऐसा मात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रोज इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 7 नंबर इस तरह से है कि भारत के किस राज्य में ईसाई की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि भारत में जो ईसाई की जो जनसंख्या प्रतिशत पूछा जा रहा है, जनसंख्या नहीं पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक किस राज्य में है? आप यहाँ पे आंसर दें। तो चलिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मिजोरम में जो है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत है ईसाई की। और यदि हम बात करें कि सर्वाधिक ईसाई जो है कहाँ है, किस राज्य में है, तो सर्वाधिक ईसाई जो आपका केरल राज्य में है। और प्रतिशत के मामले में आपको हम बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने मिजोरम को किया। तो ऑप्शन में यहाँ पे यदि आ रहा था नागालैंड, तो आप नागालैंड को मारते हैं प्रतिशत के मामले में। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मिजोरम के बारे में कुछ बता देते हैं आपको कि मिजोरम जो है वो म्यांमार की बॉर्डर से सटा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप है? तो यहाँ पे आप आंसर दें। ऑप्शन आपके सामने इस तरह से है, 4 ऑप्शन है, आप देखिए। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो है शुष्क बर्फ किसका ठोस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की है। बात करें कि बर्फ जो है, तो बर्फ जो है सो जल की ठोस अवस्था होती है। और बात करें कि जब बर्फ पानी में तैरती है
तो उसके आयतन का 1/10 भाग जो है सो पानी के ऊपर रहता है, किसकी, बर्फ़ का। बर्फ़ यदि पानी में तैरती है तो उसका 1/10 भाग ऊपर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जो जाता है 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है सो 15 जून भी ऑप्शन में है। तो 15 जून में क्या होता है, तो 15 जून जो है सो आपका यहाँ पे विश्व रक्तदान दिवस है, और 29 जून जो है वो क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। और बात करें 14 अप्रैल की तो ये अम्बेडकर जयंती है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का इस तरह से है कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका जो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे, तो सिरका में जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। और यदि हम बात करें फॉर्मिक एसिड यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, तो यदि बात करें फॉर्मिक एसिड की तो ये चींटियों के डंक में होता है। आपको यदि चींटी काटा होगा तो आपको पता है कितनी जलन होती है, तो फॉर्मिक एसिड के कारण ही जलन होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।